बजट सत्र, अभिभाषण और बहिष्कार। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। कोरोना के चलते कई गाइडलाइन इसके लिए रखी गई हैं। बजट सत्र दो पार्ट में रखा गया है। पहला 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा 8 मार्च से शुरू होगा, जो अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। कोरोना और किसान आंदोलन के चलते इस बार के बजट पर सभी की निगाहें हैं। सरकार के सामने दो स्तरों पर चुनौतियां हैं, एक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, दूसरा बढ़ती हुई महंगाई के बीच आम लोगों को राहत देना। बजट सत्र के शुरुआत में ही हंगामा देखने को मिला। पहले विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया, दूसरा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश कर रही थी, उस समय विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। देखना होगा बजट के साथ ही विपक्ष का कितना साथ सत्र को मिलता है या फिर हंगामा और शोर शराबा सत्र के दौरान हावी रहता है, क्योंकि विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। वही सरकार के स्तर पर पूरी तैयारी विपक्ष के हमलों को लेकर है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति कोविंद ने कृषि कानूनों, किसान और उनके एमएसपी से लेकर कोरोना तक पर खुलकर अपने विचार रखे। राष्ट्रपति ने लाल किले पर हिंसा की भी निंदा की और कोविड को लेकर सरकार के फैसलों की सराहना की। भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर, हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके, पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। एक तरफ राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से संसद के बाहर विरोध जताया जा रहा था। विपक्ष ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ किसानों के समर्थन में खूब नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वो कुछ बोलने को नहीं है, मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, एक इंच पीछे मत हटिए, ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, बजट सत्र 2021 हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा, इस दशक का आज पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में, इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। कोविड काल के बाद पेश होने जा रहे इस बजट में क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित किया और जिस तरह से विपक्ष ने अभिभाषण का वॉकआउट किया, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी। चेतन जी, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में हैं कविता पांडे जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। कविता जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले चेतन जी, आपके पास मैं आता हूँ। आज से बजट सत्र की शुरुआत, और ऐसे समय बजट आ रहा है जब लंबा समय कोरोना चला, उसके चलते तमाम सारे सेक्टर प्रभावित हुए, अभी भी है, पूरी तरीके से नहीं गति उनको मिल पाई है, तमाम सारी चुनौतियां हैं। ऐसे में बजट सत्र का शुरू होना और 1 फरवरी को जिस तरह से बजट आ रहा है, तो कोविड से जो असमानता का जो वायरस फैला है, बजट से किस तरह की मरहम की आस हम करें इसको लेकर। हालांकि जिस तरह से वॉकआउट हुआ, हंगामा हुआ, हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बजट सत्र है, बजट से क्या कुछ उम्मीद और सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां? देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से सारे संसार से लेकर के भारतवर्ष में भी कोरोना का विकराल रूप हम सबने देखा है। इन विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ते हुए निकलते हुए इस जंग से लड़ाई जीत करके पहले भी हमको भरोसा था, और इस देश के उन तमाम वैज्ञानिकों ने जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का इलाज ढूंढा है, मैं सर्वप्रथम तो उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस हिंदुस्तान के शौर्य को 7 समंदर पार भी स्थापित करने का काम किया है। विश्व के पटल पर अनेकों अनेक देश मिसाइलें, गोला बारूद, जेट फ्लैट ये सब बेचने का काम करते हैं, लेकिन मेरा भारत एक ऐसा देश है जो बारूद की जगह लोगों की जान बचाने की वैक्सीन दे रहा है। ये हम सबके लिए गर्व करने की, फक्र करने की बात है। महात्मा गांधी जी की अहिंसा हो, गौतम बुद्ध का शांति का संदेश हो, भगवान श्री राम की मर्यादा का जो मामला हो, निसंदेह आज हम कह सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष ने वो सारी उपलब्धियां हासिल की है जो किसी प्रगतिशील देश के लिए आवश्यक होती है। आज बजट सत्र का पहला दिन था। आज माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका अभिभाषण था। और निश्चित रूप से आज जहां से लोकतंत्र का मंदिर, जहां से इस देश की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, निकलती हैं, विकास का सारा पहिया वहां से घूमता है, आज उसका प्रथम दिवस था। आज देश की दशा दिशा क्या थी, कैसे होगी, और आने वाले वर्ष में इस सदी का पहला साल है उसमें किस प्रकार से सरकार का अपना रोड मैप होगा, उन सारी बातों का आज माननीय महामहिम, बिल्कुल क्या रोड मैप होगा। और निश्चित तौर पर चुनौती तो है चेतन जी, चुनौती तो जरूर है, लेकिन देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरह से इसको बैलेंस करती हैं। कोरोना के चलते जो तमाम, एक तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और दूसरी तरफ जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाना और आम जनता को कैसे राहत मिले ये देखने वाली बात होगी। कविता पांडे जी हमारे साथ में हैं। कविता जी, आज से बजट सत्र की शुरुआत, और पहले ही दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से कांग्रेस ने अपने आप को अलग रखा, बहिष्कार किया, क्यों? आखिर क्या जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां में कोरोना के बाद हैं, क्या विपक्ष का ये दायित्व तो नहीं बनता कि वो भी साथ रहें और जनता को जो दरकार है, तमाम सारी चुनौतियां हैं, उसमें उनका साथ मिले? क्या कहेंगे इसके पीछे का लॉजिक? जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण, उनके पद की गरिमा का सम्मान करती हूं, और जो केंद्र सरकार लिख कर देती है वो पढ़ना उनका संवैधानिक दायित्व है, हम सब इस बात को जानते हैं। रटा रटाया पढ़ा हमने, सुना। आज देश की जो वर्तमान स्थिति है वो बेहद दुखदाई है। मैं चेतन भाई को अभी सुन रही थी। हम वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाई, और उनके कार्यों के कारण आज हम सुरक्षित हैं। लेकिन साथ ही मैं बताना देना चाहती हूँ कि हमारे देश की, हमारी आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी ठंडी गर्मी बरसा और तमाम तरीके के मौसमों के कारण कोरोना का वो कहर जो दूसरे देशों में है वो नहीं आया, हम जल्दी मुक्त हुए, इसके लिए मैं वैज्ञानिकों को सैल्यूट करती हूँ। आज
जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मैं सुन रही थी 26 जनवरी को, पिछले 62 दिनों से किसान बैठे हैं, 120 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, बलिदान हो चुका है, एक लाइन एक शब्द उसमें नहीं आया। कितने दुख की बात है कि एक हथिनी के मरने पर चिंगाड़ने वाले लोग किसानों के प्रति किसी प्रकार का दुख और दर्द नहीं महसूस करते, ये बेहद दुख की बात है। आज महात्मा गांधी का आपने जिक्र किया, मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जिसके महात्मा गांधी नेता थी। आप महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन को तहस तहस करने के लिए पुरजोर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा पूरी ताकत की गई, लगाई गई, और जिसके कारण इनका एक नेता, इनके पार्टी का कार्यकर्ता संधु लाल किले पर चढ़ दौड़ा, वो बेहद शर्मनाक स्थिति थी। उसके बाद दुखद स्थिति देखिए कि उसके ऊपर एफआईआर नहीं की, एक जो देशद्रोही है उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, जेल नहीं भेजा गया, उसके ऊपर मुकदमा नहीं बना, उसको निकाला गया और प्लैंड वे में साजिश की गई। क्या हमारी सरकारों का यह दायित्व होता है कि हमारा जो कॉमन मैन, हमारा आम आदमी है, किसान जो हमें रोटी देता है, अन्नदाता है, और उसके खिलाफ हमारी, लेकिन कविता जी आरोप, लेकिन कविता जी आरोप तो कांग्रेस पर है, लेकिन कविता जी आरोप तो कांग्रेस पर है कि कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने भड़काया, और इसी के चलते जो कुछ 26 जनवरी को हुआ गणतंत्र दिवस को, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, बीजेपी का ही आरोप। कुछ भी आरोप लगाइए, आप पत्रकार हैं, आपको सच पता है कि वहां पर किसान डटे हुए हैं। 120 ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है अन्नदाता की रक्षा के लिए, उसके बावजूद ये असंवेदनशील सरकार, अमानवीय सरकार, मैं पुनः इनकी तुलना अंग्रेजों से करूंगी। जैसे अंग्रेज हमारे बीच फूट डालो और राज करते थे, ये अपने आदमी को घुसेड़ते हैं, हिंसा कराते हैं। चलिए मैं दोबारा आऊंगा इसके आगे के सवाल आपसे लूंगा मैं। कविता जी, सूर्यकांत जी हमारे साथ में हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत जी, जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां हैं, हालांकि बजट सत्र की शुरुआत हुई है, जाहिर सी बात है हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन पर तो तमाम तरह की बातचीत हो चुकी है। कोरोना की शुरुआत से लेकर अभी तक जो कुछ हुआ, हालांकि ये भी बहुत राहत वाली बात है कि शनै शनै कोरोना नियंत्रण में आ रहा है, जिस तरह से अब केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत हुई है, एक तरफ कांग्रेस का जिस तरह से बहिष्कार, कांग्रेस की जिस तरह से दलील, कविता जी जो कुछ कह रही थी, इसके इतर अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण के सामने सूर्यकांत जी इस समय किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उम्मीद बजट को लेकर है, लेकिन ये भी है कि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी सेहत भी सुधारना है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको बताएं कि नए बजट में सबसे बड़ी जो चुनौती सरकार के सामने है वो आर्थिक के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है जी। ठीक है, कोरोना धीमे धीमे समाप्ति की ओर है हमारे देश में जी, लेकिन आपको बता दें इस कोरोना पर अभी काबू पूरी तरह से पाया जाना है जी। अभी वैक्सीन आई है, वैक्सीन का काम, टीकाकरण का काम शुरू हुआ है, लेकिन यह टीकाकरण का काम अभी प्रारंभिक दौर में है। देश की 1,35,00,000 की आबादी का पूरा टीकाकरण है और लोगों की पूरी निगाह इस चीज पे लगी हुई है कि सरकार क्या हर आदमी को अपनी तरफ से या फ्री में टीकाकरण कराएगी या नहीं कराएगी, क्योंकि गरीब आदमी टीकाकरण के लिए जो पैसा लगना है, दो टीके लगना है, उसको वहन करने की उसकी क्षमता नहीं है। इसके अलावा तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार के सामने चुनौतियां खड़ी हुई है। पहला किसानों का आंदोलन अभी चली रहा है, यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद देश में महंगाई इस समय बड़ा रूप ले चुकी है, तो महंगाई पर काबू पाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। स्वास्थ्य तो है ही, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसमें यह अच्छी बात है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और उसमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, और आज उसी का परिणाम है कि चाहे वैक्सीन हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, चाहे तेजस जैसे विमान हो, इन सारी चीजों में भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने इस समय आर्थिक क्षेत्र में बनी हुई है। इस समय देश अन्य विश्व पटल पे देखें आप तो कोरोना के चलते जो आर्थिक मंदी आई है, उस आर्थिक मंदी से उबरने के जो प्रयास विश्व समुदाय में किए जा रहे हैं उसका असर भारत में कब तक देखने को मिलेगा? सरकारें क्या कदम उठाती हैं? सरकार आम आदमी को कितना राहत देती है? सरकार
द्वारा जो कर लगाए जा रहे हैं उनमें खास तौर पर आयकर को लेकर लोगों की बड़ी निगाह है। केंद्र में भाजपा की सरकार बने हुए पिछले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी, अब लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह आयकर में केंद्र सरकार द्वारा रिबेट दिया जाए, राहत दी जाए। तो देखना यह होगा कि सरकार किस तरह की आम आदमी के साथ साथ मध्यम वर्गीय बिल्कुल काफी अहम बात सूर्यकांत जी आप कह रहे हैं कि एक तरफ कुल मिला के देखा जाए तो एक तरफ डर भी है, एक तरफ उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, खासतौर पर जिस तरह से मध्यम वर्ग और निचला जो वर्ग है, गरीब तबका है, वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी है, सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि कोरोना के चलते जो रोजगार छिना है उसको कैसे लोगों को रोजगार मुहैया हो। चेतन जी के पास में आता हूँ, चेतन जी क्या कहेंगे, क्या कुछ पिटारे में आपको उम्मीद है, चूंकि आपकी दल की सरकार है, कैसे पटरी पे बैठेगा सामंजस्य तमाम सारी, चूंकि ये भी मैं लगातार बात कर रहा हूं कि अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करना है, उसकी भी सेहत सुधारना है, लेकिन जनता को अब काफी उम्मीद है, और जिस तरह से लगातार चाहे पेट्रोल डीजल के रेट्स की हम बात कर लें या हम फिर खाद्य वस्तुओं की बात कर लें, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ऐसे में जनता टकटकी लगाए बैठी है निर्मला सीतारमण की तरफ कि आखिर वो किस तरह की राहत देती है, क्या कहेंगे, बजट को लेकर क्या कुछ रहने वाला है। चलिए राज जी, मैं इसका जवाब तो दूंगा, लेकिन आज मैं आपको कह रहा था, आपने बीच में रोक दिया। जी जी बोलिए। आज देश में लोकतंत्र को फिर से विपक्ष ने शर्मसार किया है। जिन लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि के रूप में इन सांसदों को चुन करके भेजा है, क्या केवल हो हल्ला करने के लिए भेजा, केवल बायकॉट? देश के प्रथम नागरिक महामहिम जी का आपने खुला अपमान किया, शोषित पीड़ित दलित वर्ग के एक राजनेता का, भगवान राम के नाम से जिनका नाम आता, आप उनका खुला अपमान आज आपने किया। राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल से नहीं होते, किसी विचारधारा से नहीं होते, ये बात अलग है कि जो चीजें सरकार करती है, जो सरकार का रोडमैप है, उस एजेंडे को पढ़ना उनकी संवैधानिक जवाबदारी है, उसका उन्होंने निर्वहन किया। लेकिन क्या विपक्ष के पास केवल केवल और केवल केवल बायकॉट, केवल आलोचना, केवल हो हल्ला करना, क्या इस आधार पर ये किसानों को किस तरह से इनके नेता उकसाने की बात करते हैं कि आप एक इंच पीछे मत हटना, हम आपके साथ हैं। अरे इतनी हिम्मत थी, इतनी हमदर्दी थी तो कांग्रेस अपने बैनर पर आंदोलन क्यों नहीं करती है? किसानों के नाम पर, किसानों के कंधे पर रख करके जो बंदूक चलाने की कोशिश, हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये देश अगर धड़कता है तो भारत मां के लिए, अगर मरता है तो भारत मां के स्वाभिमान और सम्मान के लिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि देश में चाहे तुम जितनी भी आग लगाने की कोशिश कर लो, जितने भी तोड़ने की कोशिश कर लो, हमेशा आपके ही हाथ जलेंगे, झुलसेंगे, आपको हासिल कुछ नहीं होगा। रही बात बजट की, निश्चित रूप से उम्मीदों भरा बजट आना चाहिए, ऐसी हम सब भी कामना करते हैं। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के कारण जी आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, जो मेरे भारत की जल थल और वायु सेना को लेकर के जो युवाओं के सपने हैं, जो किसानों के सपने, हर सपने को पूरा करना भारत सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमने इस देश में कोरोना जैसी महामारी से भी निकलने में कामयाबी हासिल की है। 130 करोड़ लोगों के देश को इतनी आसानी से बचाना भी इतना आसान नहीं होता। निश्चित रूप से हमारे देश के उन हजारों लाखों वॉलंटियर्स को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में अनवरत अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर काम किया। और रही बात मेरी बहन निर्मला सीतारमण की, मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन जिस सेक्टर में भी हो सकता है वहां रात देने का काम करेगी, साथ ही साथ इस प्रदेश और देश के विकास के भी जो रोड मैप है, जो सपने हमने तैयार किए हैं, जो हमारे जनता से वादे, जो हमने घोषणा पत्र में अपने वादे किए, जो हमने देश और देश की जनता से वादे किए, उन वादों को भी पूरा करने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। ईमानदारी, निष्ठा, कर्मठता और राष्ट्रवाद, ये मेरे बजट में आपको बहुत साफ तौर पर दिखेगा। ये भारत का वो देश है, भारत की वो सरकार है जो घुटने टेकने के नहीं, दुश्मनों के घुटने तोड़ने का मादा रख करके काम करेगी। और निश्चित रूप से इस बजट में भी रक्षा को चलिए चेतन जी में लेकर बिल्कुल ले करके, कविता जी से जवाब कविता जी से भी जवाब ले लेता हूं। कविता जी, जिस तरह से चेतन जी कह रहे हैं, या जिस तरह से चाहे कोरोना काल रहा हो या किसानों का आंदोलन रहा हो, क्या क्यों कांग्रेस के भीतर इतनी निगेटिविटी है कि चूंकि सरकार है, सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह है, उसे भी कहीं ना कहीं जनता के सामने जवाब देना है, लेकिन कांग्रेस को एक चीज ऐसी नहीं लगती कि नहीं कभी कहा हो कि नहीं सरकार ने अच्छा काम किया है, क्यों इस तरह की धारणा बनी है? क्या एक स्टैंड बन चुका है कांग्रेस का ये, जिस तरह से चेतन जी कह रहे हैं? आपको एक लाइन में याद दिलाई देती जी,
बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा आपको याद है कि नहीं याद है चेतन भाई? और हमारे सूर्यकांत भाई को तो जरूरी याद होगा, आज शतक पार किया है पेट्रोल के दामों ने। अनूपपुर में 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है और पूरे प्रदेश में 98 रुपया के लगभग है। तो ये 60 रुपया होता था तो साइकिल निकाल लिया करते थे। और इनकी स्मृति ईरानी और चीखना चिल्लाना, आज गैस का दाम बढ़ा है 50 रुपया, तो कॉमन मैन के लिए क्या कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जब आप 100 रुपए का एक नोट पूरा निकाल के 1 लीटर तेल अपने स्कूटर में डलाते होंगे तो आपका हृदय प्रसन्नता से बाग बाग हो जाता होगा, लगता होगा जिस अच्छे दिन के सपने हमने देखे थे वो तो आखिर आज आ ही गए। गैस की सब्सिडी गायब है, गैस की सब्सिडी मिला करता था 200-250 रुपए, वो सफा चट हो चुकी है। किसान की बात करें तो ये बहुत मजे से कांग्रेस का इन्होंने नाम लिया, आपको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पिताजी दादा बाबा किसान होंगे, हम उस किसान के प्रति हमारी कितने संवेदनहीन है। भरी पूस की कड़कड़ाती ठंड में करोड़ों लोग बैठे हैं, कई 150 के लगभग किसानों की बलि हो जाने के बावजूद ही हमारी सरकार हिली नहीं। वहां से मोदी जी का घर सिर्फ 3 किलोमीटर है, एक बार झांकने नहीं गए। गौतम गंभीर की उंगली में चोट लग जाए, हथिनी को चोट लग जाए तो सबसे पहले ट्वीट करने वाले मोदी जी और अमित शाह का रता पता नहीं रहा था किसानों के लिए बोल सके। आप किस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। 10 करोड़ लोगों की कोरोना काल में नौकरी चली गई, सबसे ज्यादा नौकरी हरने वाली यह केंद्र की सरकार अपने 6 साल में पूर्णतः विफल है और इससे किसी प्रकार लेकिन कविता जी वो किसान संगठन, उस किसान संगठन गणतंत्र दिवस को, कविता जी मेरा सवाल चलिए हमें आपकी बात अपनी रखती रही है, मेरा सवाल ये है कि वही किसान संगठन गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ उसमें से कह रहे हैं कि हम शर्मसार हैं, और कांग्रेस लगातार उसको लेकर कहती है कि ये तो पूरा सरकार के द्वारा प्रायोजित है, और किसान संगठन अब धीरे धीरे उस आंदोलन से अलग भी हो रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि 1 इंच भी पीछे मत हटिए, हम तुम्हारे साथ में। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, समाधान की तरफ सुझाव होना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मैं सहमत हूँ। पूरा देश शर्मसार है कि जिस लाल किले की प्राचीर पर 2 घंटा पहले देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा वंदन करते हैं, तो जिसमें देश भर का पुलिस प्रशासन BCF BSF सब लगे हैं देश भर का, उसमें कैसे भाजपा प्रायोजित कार्यकर्ता दीप संधु चढ़ के और लाल किले के प्राचीर पर कैसे चढ़ जाता। अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा देकर देश से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वहां पुलिस की बटालियन लगी हुई है, DSP उनका स्वागत करता है, 3 दिन तक वो पकड़ा नहीं जाता। दिल्ली में जहां केंद्र शासित प्रदेश और पुलिस ही पुलिस है, और तमाम 26 जनवरी के 2 महीने से तैयारी होती है, ये केंद्र सरकार का पूरी तरह फेलियर है। चलिए चेतन जी कुछ कहेंगे संक्षेप में, फिर मैं सूर्यकांत जी के पास भी आऊंगा। चेतन जी क्या कुछ कहे, कविता जी जो कुछ कह रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए संक्षेप में, फिर मैं सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। देखिए राजेश जी, इस देश को जलाने के बाद कितने मजे ले रहे हैं राहुल गांधी जैसे नेता, शशि थरूर जैसे नेता। मेरी बहन कह रही है कि 3 किलोमीटर जिस प्रदेश में बैठकर के आप बात कर रही हो ना, इसी छोटे तालाब में 14 लोग गणेश मूर्ति की विसर्जन के दौरान एक्सपायर हो गए। तुम्हारे मुख्यमंत्री कमलनाथ को 500 मीटर चलने की फुर्सत नहीं मिली, वो कोई आंदोलन नहीं था, वो कोई आजादी का आंदोलन नहीं था, सुन लीजिए। और इस आंदोलन में हमने डे फर्स्ट से कहा है कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग, इसमें आतंकवादी, खालिस्तानी और वो लोग जो भारत की बढ़ती हुई ताकत और शक्ति को देख नहीं पाते। और अभी राजेश जी मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि सारे आंदोलन में विदेशी फंडिंग है और उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है। आप इंतजार तो करिए, ये कांग्रेस के नेता मुनी दिखाने के लायक बचेंगे। इस देश में कुर्सी की खातिर आपने 1947 में मेरी भारत माँ के टुकड़े किए, लाखों लोगों को तुमने मरवाया, लाखों लोगों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उठा के तस्तरी में किसको दिए, चाइना को। क्या तुम्हारे संबंध है चाइना से, क्या तुम्हारे संबंध है पाकिस्तानियों से, क्या तुम्हारे संबंध है? सूर्यकांत जी के पास में आऊंगा, चूंकि बजट किसान के पर चर्चा और बजट सत्र की शुरुआत जिस तरह से हुई है, चेतन जी चलिए आरोप प्रत्यारोप लगातार लंबे समय से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ।
चेतन जी सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। सूर्यकांत जी, हालांकि जिस तरह से जो कुछ चल रहा है हम लंबे समय से सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा कि जिस तरह से बजट को लेकर चेतन जी ने, आपने भी शुरुआत की थी, चेतन जी से भी मैंने जिस तरह से उसको बात को आगे बढ़ाया कि तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है इस कोरोना काल में, और खासतौर पर छोटे तबके के लोग हैं जिनकी मजदूरी गई है, ये तमाम सारी चीजें, क्या लगता है उनका समावेश दिखेगा इस बजट में? और दूसरी तरफ जो हर बार ये देखा जाता था कि बजट से पहले लोगों की राय ली जाती थी, सुझाव लिए जाते थे, कोरोना है, कोरोना के चलते वो सब नहीं हुआ, ऐसे में सरकार का जो विजन होगा, सरकार की जो सोच होगी, क्या लगता है कोरोना के चलते जो तमाम सारी प्रभावित हुई हैं चीजें हुई हैं उनको, फिर जिनकी जिक्र हम कर रहे हैं आम जनता, निचले तबका हो चाहे मध्यम वर्ग का तबका हो, उनके लिए कुछ राहत भी होगा इस पिटारे में? देखिए सक्सेना जी, जिस तरह से कोरोना काल में समय समय पर सरकार द्वारा कुछ राहत देने का काम किया गया है जी, उसकी झलक इस पूर्ण बजट में दिखना निश्चित रूप से तय है जी। और इसके संकेत आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्रकारों से चर्चा में दे दिए हैं। अब उसमें मुख्य रूप से रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई पर लोगों की निगाह लगी हुई है। इसके अलावा जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता आदरणीय कप्ता जी ने जो कहा है महंगाई को लेकर, तो मैंने यूपीए सरकार का दौर भी देखा है और एनडीए सरकार का दौर भी देखा है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब यूपीए सरकार में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम या महंगाई बढ़ती थी तो भाजपा पूरी की पूरी सड़क पर उतरी हुई दिखती थी, लेकिन अब महंगाई बढ़ती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरती हुई नहीं दिखती है। कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्वीट या बयानबाजी तक सीमित रहते हैं। अब आते हैं कोरोना से डर रहे हैं ना, कोरोना से डर लग रहा है इसलिए नहीं उतर रहे सड़कों पर जी। बोलिए सूर्यकांत जी। नहीं देखिए, आप जब चुनाव आते हैं, उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस के नेता सभा करते हैं जी, जी। जब किसी नेता का पदभार ग्रहण करना होता है तो समूह का समूह इकट्ठा कर लेते हैं जी। बहाने कई हो सकते हैं जी। लेकिन कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में कभी नहीं देखा गया है इतने समय में। कांग्रेस अगर सड़क पर उतरती, जनहितैषी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करती तो निश्चित रूप से जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलता ही। क्या आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस का जनाधार घट रहा है और भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है? इस पर कांग्रेस को जरूर विचार मंथन करना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। रही भाजपा की बात, तो भाजपा सरकार जब से बनी है आत्मनिर्भर भारत उसका प्रमुख एजेंडा है, रक्षा प्रमुख एजेंडा, इन सारी चीजों में वो आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है, केंद्र सरकार को मिल रहा है। रही किसानों की बात, तो किसान और सरकार के बीच अगर राजनीति आड़े नहीं आती तो किसानों के आंदोलन, किसानों को की मांगों को लेकर अब तक समाधान निकल गया होता, और वही बात अब फिर नजर आ रही है। देखिए, किसी भी मांग का या किसी भी आंदोलन का जो हल होता है वो बातचीत से ही निकला करता है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं, किसान भी बातचीत में शामिल हो रहे हैं, दोनों तरफ से बातचीत का दौर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें राजनीति। तो बिल्कुल सूर्यकांत जी, तमाम सारी स्थितियां परिस्थितियों के बीच में बजट सत्र की शुरुआत हुई है, 1 फरवरी का दिन मुकर्रर है जिस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। उम्मीदें तमाम तरह की लोगों को हैं और तमाम तरह की चुनौतियां भी हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे कोरोना हो। इस बीच में देखना होगा मोदी सरकार का बजट किस तरह से होगा। इस बीच आरोप प्रत्यारोप के तमाम दौर हमने पहले भी देखे हैं, आज भी हमने देखे हैं, और जिस तरह से हंगामे के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई है, क्या ये हंगामा पूरे सत्र के दौरान बरपा रहेगा, देखने वाली बात होगी। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, कविता पांडे जी आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 2 चरणों में सत्र जिस तरह से रखा गया है, और पहले चरण की शुरुआत है, और ये चरण काफ़ी अहम है, काफ़ी खास है, क्योंकि इसमें आम बजट आ रहा है, कोरोना के चलते ये आम बजट, किसान आंदोलन साथ में है, तमाम तरह के विपक्ष के आरोप हैं, सरकार की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इस बीच सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कि किस तरह का वो बजट पेश करती है। हमारी चर्चा में बस इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।